नमस्कार, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं न्यूज 24 का यूपी उत्तराखंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त पूरे देश में CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध मचा हुआ है। जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, विरोध की चिंगारी जगी थी नॉर्थ ईस्ट में और उसके बाद ये राजधानी दिल्ली से होते हुए पूरे देश में फैल रही है। इस वक्त बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह लोग सड़कों पर उतर आए हैं और केंद्र सरकार के इस नए कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात है कि CAA के साथ ही साथ लोग NRC के लिए भी अगेंस्ट में वो विरोध कर रहे हैं, जबकि NRC के बारे में अभी कोई भी लेटेस्ट जानकारी नहीं आई है। फिलहाल आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्र सरकार की तरफ से एक पेपर जारी किया गया है जिसमें आसान शब्दों में क्वेश्चन आंसर के जरिए लोगों का भ्रम दूर करने की कोशिश की गई है। दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से इसे जारी किया गया है। कई पॉपुलर चैनल्स और मैगजीन्स में भी इसे पब्लिश किया गया है ताकि लोगों तक ये पहुंचे, लोग इसे पढ़े और लोगों का भ्रम दूर हो सके। सरकार इस टाइम हर किसी को एक ही बात बता रही है कि आप उपद्रवियों के बहकावे में मत आए, क्योंकि ये कानून किसी भी भारतीय से उसकी नागरिकता नहीं छीनती है, इसलिए उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि ये कौन से सवाल है जिसके जवाब केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं। पहला सवाल कि NRC CAA का हिस्सा है, ऐसा नहीं है। CAA एक अलग कानून है और NRC एक अलग प्रोसेस है। CAA संसद में पारित होने के बाद देश भर में लागू हो चुका है, जबकि देश के लिए NRC में नियम प्रक्रिया तय होना अभी बाकी है। असम में जो NRC की प्रक्रिया चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और असम समझौते के तहत की गई है। दूसरा सवाल, क्या भारतीय मुसलमानों को CAA और NRC को लेकर किसी प्रकार परेशान होने की जरूरत है? जवाब, किसी भी धर्म को मानने वाले भारतीय नागरिक को CAA या NRC से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल, क्या NRC सिर्फ मुसलमानों के लिए ही होगा? जवाब, बिल्कुल नहीं, इसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। ये भारत के सभी नागरिकों के लिए होगा। ये नागरिकों का केवल रजिस्टर है जिसमें देश का हर नागरिक अपना नाम दर्ज कराएगा। चौथा सवाल, क्या NRC में धार्मिक आधार पर लोगों को बाहर रखा जाएगा? जवाब, नहीं, NRC किसी धर्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। जब NRC लागू किया जाएगा वो ना तो धर्म के आधार पर लागू किया जाएगा और ना ही उसे धर्म के आधार पर लागू किया जा सकता है। किसी को भी सिर्फ इस आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता है कि वो किसी विशेष धर्म का मानने वाला है। पांचवा सवाल, क्या NRC के जरिए मुस्लिमों से भारतीय होने का सबूत मांगा जाएगा? सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर NRC जैसी कोई औपचारिक पहल शुरू नहीं हुई है। सरकार ने ना तो कोई आधिकारिक घोषणा की है और ना ही इसके लिए कोई नियम कानून बने हैं। भविष्य में अगर ये लागू किया जाता है तो ये नहीं समझना चाहिए कि किसी से उसके भारतीय होने का प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। NRC को आप एक प्रकार से आधार कार्ड या किसी दूसरे पहचान पत्र जैसी प्रक्रिया से समझ सकते हैं। नागरिकता के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आपको कोई भी पहचान पत्र या दस्तावेज या अन्य दस्तावेज देना होगा, जैसा कि आधार कार्ड या मतदाता सूची के लिए देते हैं। छठा सवाल, नागरिकता कैसे दी जाती है? क्या ये प्रक्रिया सरकार के हाथ में होगी? नागरिकता नियम 2009 के तहत किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तय की जाएगी। ये नियम नागरिकता कानून 1955 के आधार पर बना है। ये नियम सार्वजनिक रूप से सबके सामने है। किसी भी व्यक्ति के लिए भारत का नागरिक बनने के 5 तरीके हैं: जन्म के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, देशीकरण के आधार पर नागरिकता, भूमि विस्तार के आधार पर नागरिकता। सवाल 7, जब कभी NRC लागू होगा तो क्या हमें अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए अपने माता पिता के जन्म का विवरण उपलब्ध कराना पड़ेगा? आपको अपने जन्म का विवरण जैसे जन्म की तारीख, माह और स्थान के बारे में जानकारी देना ही पर्याप्त होगा। अगर आपके पास अपने जन्म का विवरण नहीं है तो आपको अपने माता पिता के बारे में यही विवरण उपलब्ध कराना होगा, लेकिन कोई दस्तावेज माता पिता के द्वारा ही प्रस्तुत करने की अनिवार्यता बिल्कुल नहीं होगी। जन्म की तारीख और जन्म स्थान से संबंधित कोई भी दस्तावेज जमा कर नागरिकता साबित की जा सकती है। अभी तक ऐसे स्वीकार दस्तावेजों को लेकर भी निर्णय होना बाकी है। इसके लिए वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, लाइसेंस, बीमा के पेपर, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र,
जमीन या घर के कागजात या फिर सरकारी अधिकारी द्वारा जारी इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों को शामिल करने की संभावना है। इन दस्तावेजों की सूची ज्यादा लंबी होने की संभावना है ताकि किसी भी भारतीय नागरिक को अनावश्यक रूप से परेशानी न उठाना पड़े। आठवां सवाल, अगर एनआरसी लागू होता है तो क्या हमें 1971 से पहले ही वंशावली को साबित करना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। 1971 के पहले की वंशावली के लिए आपको किसी प्रकार के पहचान पत्र या माता पिता या पूर्वज के जन्म प्रमाण पत्र जैसे किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। ये केवल असम एनआरसी के लिए मान्य था, वो भी असम समझौता और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर। देश के बाकी हिस्सों के लिए द सिटीजनशिप रूल्स 2003 के तहत एनआरसी की प्रक्रिया पूरी तरह अलग है। नौवां सवाल, अगर पहचान साबित करना इतना ही आसान है तो फिर असम में 19 लाख लोग कैसे कैसे एनआरसी से बाहर हो गए? असम की समस्या पूरे देश से जोड़ना ठीक नहीं है। वहाँ घुसपैठ की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। इसके विरोध में वहाँ 6 सालों तक आंदोलन चला है। इस घुसपैठ की वजह से राजीव गांधी सरकार को 1985 में एक समझौता करना पड़ा था। इसके तहत घुसपैठियों की पहचान करने के लिए 25 मार्च 1971 को कट ऑफ डेट माना गया, जो एनआरसी का आधार बना। दसवां सवाल, क्या एनआरसी के लिए मुमकिन और पुराने दस्तावेज मांगे जाएंगे जिन्हें जुटा पाना बहुत मुश्किल होगा? जवाब, पहचान प्रमाणित करने के लिए बहुत सामान्य दस्तावेज की जरूरत होगी। राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी की घोषणा होती है तो उसके लिए सरकार ऐसे नियम और निर्देश तय करेगी जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। ग्यारहवां सवाल, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास संबंधित दस्तावेज नहीं है तो क्या होगा? जवाब, इस मामले में अधिकारी उस व्यक्ति को गवाह लाने की इजाजत देगा, साथ ही अन्य सबूत और कम्युनिटी वेरिफिकेशन आदि की भी अनुमति देगा। एक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। बारहवां सवाल, भारत में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, गरीब है और पढ़े लिखे नहीं है और उनके पास पहचान का कोई आधार भी नहीं है, ऐसे लोगों का क्या होगा? जवाब, ये सूचना पूरी तरह सही नहीं है। ऐसे लोग किसी न किसी आधार पर ही वोट डालते हैं, उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, उसी के आधार पर उनकी पहचान स्थापित की जाएगी। तेरहवां सवाल, क्या एनआरसी किसी ट्रांसजेंडर, नास्तिक, आदिवासी, दलित, महिला और भूमिहीन लोगों को बाहर करता है? जवाब, नहीं। एनआरसी जब कभी भी लागू किया जाएगा, ऊपर बताए गए किसी भी समूह को प्रभावित नहीं करेगा। इस पेपर में अंत में लिखा गया है, अपना स्वार्थ साधने वालों के बहकावे में ना आकर खुद पढ़े, समझे और फिर मामले में विवेक से अपनी राय बनाए। बहरहाल आपको बता दें कि इस वक्त पूरे देश में डर और खौफ का माहौल है। यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है, कई शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद है, सड़कों पर लोग उतर आए हैं, इस तरीके से लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं कि आम लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। जी हाँ, मेट्रो सेवा बंद कर दी गई है। बिहार में भी आज आरजेडी ने बंद की घोषणा की है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कई नेता इसके लिए बोल रहे हैं कि अफवाहों पर ना आए, हिंसा ना फैलाए, आराम से शांतिपूर्वक आप विरोध करें, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी, उपद्रवी कुछ ऐसे हैं जो माहौल को बिगाड़ने के लिए तुले हुए हैं। फिलहाल आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी इस तरीके के, आपसे अपील है हमारी कि आप भी इस तरीके के बहकावे में ना आए। अगर आपके आसपास अपने जानने वालों को भी ये बताएं कि अगर कानून से आपको कोई, आपका कोई विरोध है तो आप अपना विरोध शांतिपूर्ण तरीके से भी दिखा सकते हैं। इस तरीके से दंगे करना, सड़कों पर उतरना, ये एक तरीके से भी अपराध है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए News24 का यूपी उत्तराखंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।